तो दोस्तों यहाँ पे डाबर इंडिया के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 14% गिरकर 2,336 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू में हमको अराउंड 15% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और उसके बाद अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23% गिरकर 377 करोड़ निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमको 25% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वह 2,336 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो वो यहाँ पे 34% बढ़कर 377 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट को देखोगे तो अगर एज अ शेयर होल्डर आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी कंपनी से एग्जिट ले लेना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी इज रियली डूइंग गुड और क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे कंपनी और नए प्रोडक्ट भी ला रही है तो कंपनी एक्सपांशन भी यहाँ पे कर रही है। उनको पता है कि कुछ उनके सर्टेन प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अभी वो घी लेके आए थे तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी यहाँ पर डाबर इंडिया में आ रहे हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में उससे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा और उससे एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे नजर आती है। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ने ₹3 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको ₹300 का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। अब ये देखिए 96,368 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के मुकाबले आपको थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए, सस्ते वैल्यूएशन पर मिले गई क्योंकि जो मार्केट लीडर्स हैं वो हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। अगर डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो अराउंड 0.5% की यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, तो एक ग्रोथ स्टॉक है, आपको यहाँ पे डिविडेंड के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यूअसली यहाँ पे डाबर इंडिया का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7,900 करोड़ के लगभग रेवेन्यू था, उसके बाद में 8,000 करोड़ के लगभग आया, तो अराउंड 10-11% का ग्रोथ ही अगर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ पे जो अभी जो कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स अभी लगातार लॉन्च कर रही है तो वहाँ पे हमको आने वाले समय में 20% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019-20 दोनों इस साल में प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्स्टेंट ही ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन इस साल भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को यहाँ पे देख रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ पे कल जो टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट आए थे तब भी मैंने यही बोला था कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, अगर मार्केट इसे नेगेटिव लेता है तो आपको इसको यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे स्टॉक को एक्वायर करना है हर डिप पे। तो जो यहाँ पे डाबर इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि देखिए 581 का इसका हाई है और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको साल का 25-30% का कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको यहां पे एफएमसीजी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एफएमसीजी स्टॉक जनरली 10-15% का रिटर्न ईयरली बेसिस पर देंगे और उसके अलावा 1-2% का वो आपको डिविडेंड दे देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो डाबर इंडिया के रिजल्ट थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स यहाँ पर गुड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी है, आने वाले समय में आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी।
दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डाबर इंडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।